अस्सलाम वालेकुम गाइस, फर्स्ट रमदान व्लॉग और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत रमदान मुबारक। और आपको जैसे पता है कि मैं हर रमदान में वीडियोस करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से कोई वीडियो नहीं की। लेकिन मैंने सोचा इस दफ़ा वीडियोस कुछ ना कुछ तो करते हैं। और माशाल्लाह से आज सातवां रोज़ा, जुमे का रोज़ा, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा दिन है। और अभी सारी का टाइम है, तो बाद में मिलते हैं। बाय बाय। एस एम देसी घ्यो दे पराठे तैयार हो रहे हैं, नाल लस्सी तैयार हुई है घर दे दही दी, बिल्कुल ते बड़ा ही मज़ा आने वाला है। कसम वाली गल, मैं पंजाबी च गल करा था, लेकिन पराठा देसी घ्यो दा झस आ जाएगी खा के। गुड मॉर्निंग, अभी उठा हूँ, नमाज़ पढ़ी है, आज जुम्मा था और सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। अल्लाह माफ़ करे, जुम्मा पढ़ने तो नहीं गया लेकिन घर में ही नमाज़ पढ़ी है। अभी उठा हूँ, थोड़ी देर हुई है। और जो वेदर है वो चेंज हो रहा है, गर्म हुआ हुआ, गर्मी लग रही है। 2-3 दिन हो गए वेदर चेंज हो गया। और माशाल्लाह रोज़ा तो बहुत अच्छा गुजरा है, और उम्मीद है कि आप सबका भी बड़ा ही अच्छा गुजरा होगा। और जैसे कि पता है कि आपको मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं, और लोग बहुत मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। और गाइस, आपने इर्द गिर्द देखें, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भी रमज़ान है। आप ये देखें कि किसी का बच्चा भूखा मत सोए, जितना हो सकता आप उतनी हेल्प करो। और बस मैं यही कहूँगा, इर्द गिर्द देखें और हेल्प करें। और वो कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरी वीडियो देख के बड़ी तारीफ़ करते हैं और पीछे बाद में हंसते हैं, तो हंसो। और है भी रोज़ा है मेरे, मैं कुछ बोलूँगा नहीं लेकिन इतना कहूँगा, समझ तो आप गए होंगे, जो करना आप करें, मुझे आपकी कोई परवाह नहीं, मैं तो करूँगा। और अभी वेदर ठीक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, पहले गर्मी थी, अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। रोज़ा इफ्तार कर लिया और इतना कुछ खाता भी नहीं, और रोज़ा खोलने की देर होती है तो तबीयत ख़राब होने शुरू हो जाती है। जब तक चाय नहीं ना पी ले तो सुकून नहीं आता। तो अभी के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो आएंगी। और आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मोइज सलीमी ऑफिशियल के नेम से, और फेसबुक पे भी मोइज सलीमी। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।